आपने अक्सर टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जब अभिनेत्रियों का अपने प्यार से भरोसा उठ जाता है या फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो किस तरह से रोना धोना चालू कर देती हैं और अपनी जिंदगी को बद से बदतर बना लेती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब इन्हीं अभिनेत्रियों का असल जिंदगी में ब्रेकअप होता है तो वो टूटने के बावजूद एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगती हैं और अब भी जी रही हैं। इन्होंने अपने ब्रेकअप को अपने ऊपर हावी ना होने देकर अपनी लाइफ को बस सुकून के साथ जीने की उम्मीद बनाई है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं इन्हीं अभिनेत्रियों पर। नंबर वन, रुबीना दिलाइक। ब्रेकअप के बाद अगर किसी अभिनेत्री ने अपनी लाइफ को खुलकर जिया है तो वो है रुबीना दिलाइक, जिन्होंने छोटी बहू सीरियल फेम एक्टर अविनाश सचदेव से इश्क तो काफी सालों तक लड़ाया था, मगर जब इनका ब्रेकअप हुआ तो ये रोने धोने की बजाय खुले आसमान में एक तितली की तरह उड़ने लगी थी और ये आज अपनी हबी अभिनव शुक्ला के साथ बिल्कुल परियों वाली जिंदगी जी रही है। नंबर टू, कृतिका सेंगर। जब झांसी की रानी फेम अभिनेत्री कृतिका सेंगर के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड राजीव से ने इन्हें प्यार में धोखा दे दिया था तब ये अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, मगर अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने वैवाहिक जीवन में अपने प्यारे हस्बैंड निकेतन धीर के साथ बहुत ज्यादा खुश है और अब इन्हें कभी भी राजीव सेन की याद नहीं आती। नंबर थ्री, श्रुति झा। श्रुति झा भी अभिनेता हर्षद चोपड़ा से ब्रेकअप करने के बाद बहुत खुशहाल वाली जिंदगी जी रही है, जहां पर इन्होंने फिर से टीवी के मशहूर एक्टर कुणाल करण कपूर से प्यार करके अपनी नई जिंदगी दोबारा शुरू कर ली है और इसी के चलते इन्हें अपने पुराने ब्रेकअप का बिल्कुल भी गम नहीं है। नंबर फोर, श्रद्धा आर्या। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री श्रद्धा आर्या अभिनेता शहीर शेख के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद ब्रेकअप जैसे भयंकर दर्द से गुजरी थी, मगर फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और संभालते संभालते इन्होंने अपना शादी नेवी ऑफिसर राहुल नागल से कर ली और ये फिलहाल बहुत खुश है। नंबर फाइव, उर्फी जावेद। जी हाँ, इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरने वाली अभिनेत्री उर्फी जावेद को आपने हमेशा खुश होते हुए खिलखिलाते ही देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रेकअप के बाद ऐसी जिंदगी जी रही हैं। जी हाँ, पारस कलनावत जो अनुपमा सीरियल में समर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनसे कुछ दिन पहले ही इनका ब्रेकअप हुआ था, मगर रोने धोने की बजाय ये आज बहुत खुश है। नंबर सिक्स, देवोलीना भट्टाचार्य जी। गोपी बहू कहलाने वाली अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य जी हमेशा अपने इंस्टाग्राम पर जबरदस्त वीडियो बनाकर काफी खुश दिखाई देती है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी अभिनेता विशाल सिंह से ब्रेकअप का शिकार हो चुकी हैं, मगर बावजूद इसके देवोलीना अपनी लाइफ में आज भी बहुत ज्यादा खुश है। नंबर सेवन, करिश्मा तन्ना। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी बोल्ड एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की बिकनी फोटोज को देखकर फैंस हमेशा इन पर फिदा हो जाते हैं, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी ब्रेकअप के बाद बिल्कुल आलिशान जिंदगी बिताते हुए अपने पर्सनल लाइफ में चिल कर रही हैं, क्योंकि जब इनका ब्रेकअप अभिनेता उपेन पटेल से 5 साल पहले हुआ था तब भी इन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। नंबर एट, कांची सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री कांची सिंह का जब इनके ऑन स्क्रीन ब्रदर रोहन मेहरा से ब्रेकअप हो गया था तो ये थोड़ा दुखी नाराज तो रही, जहां पर इन्होंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया था, मगर ये पिछले काफी टाइम से अपनी निजी जिंदगी में खाते पीते बिल्कुल मस्त है और इन्हें ब्रेकअप का दुख अब बिल्कुल भी नहीं सताता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी खूबसूरत अभिनेत्रियों के ब्रेकअप के बारे में क्या कहना है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।